20 तारीख को सोमवार को इस 20 को हम जिला स्तर के ऊपर कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने का प्रोग्राम बना रहे हैं, जिसमें उदयपुर वाटी विधानसभा के सभी यूथ जो भी इस आर्मी की नई स्कीम से, अग्निपथ स्कीम से जो भी परेशान है, जो भी अपनी बात कलेक्टर साहब तक रखना चाहता है, प्रधानमंत्री जी तक रखना चाहते हैं, वो इस स्कीम के खिलाफ ये जो रैली है, इस आंदोलन में हमारा साथ दे। आपके लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, आप अगर इसमें सहयोग करेंगे तो ये आंदोलन सफल होगा तो आगे सरकार को भी हमारी बात सुननी पड़ेगी। ये हम दोनों जाने का कार्यक्रम हमने इसी वजह से बनाया, क्योंकि ग्राम पंचायत स्तर के ऊपर नवयुक्त भड़क रहा था, उसे कंट्रोल करना, हर ग्राम पंचायत के ऊपर जाकर कंट्रोल करना हमारे लिए भी मुश्किल हो रहा था, प्रशासन के लिए भी मुश्किल हो रहा था, और इसमें उनकी बात भी नहीं पहुंच पाती और उनको उग्रवादी आतंकवादियों का नाम दे दिया जाता। कई नवयुवकों को आज के समय के हिसाब से धारा 151 के तहत या फिर कोई भी हिंसा भड़काने के लिए कि रास्ता रोकने के लिए या फिर कोई भी आपत्ति राज के प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए इनको मुकदमों का खतरा था, और इन ग्राम पंचायत स्तर के ऊपर करने की वजह से इनकी बात भी ऊपर सरकार तक नहीं पहुंच पा रही थी। इसी वजह से हम इनके लिए एक जरिया बनना चाह रहे हैं और मैं तो इनके लिए लड़ना चाह रहा हूं, और नवयुवकों से यही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में 20 जून को इस सोमवार को हम झुंझुनू जाएंगे और कलेक्टर साहब को हम हमारा ज्ञापन देंगे। वहाँ पर भी अगर हमारी बात नहीं सुनी गई तो आगे हम दिल्ली मार्च करेंगे, क्योंकि नवयुवकों की बात जिला स्तर के ऊपर कलेक्टर साहब तक पहुँचे, कलेक्टर साहब या तो हमारी बात वहाँ प्रधानमंत्री जी तक पहुँचा देंगे, अगर वे भी असक्षम रहे तो उपखंड उदयपुर वाटी नहीं, जिला हेडक्वार्टर झुंझुनू ही नहीं, हम दिल्ली तक भी जाएंगे। इसी है कि किसी के साथ भी जबरदस्ती नहीं करी जाए, जिसकी रुचि है, जिसे लगता है कि उनके साथ हकीकत में गलत हुआ है, जो कि हुआ है, 3.5 साल तक भर्ती नहीं निकाली जाती और उसके बाद में ये छोटा सा कार्यक्रम कर दिया जाता है कि एसी में दफ्तरों में बैठ के अधिकारी ये कार्यक्रम कर देते हैं कि नवयुवक जो 20-20 किलोमीटर दौड़ रहा है रोज, जो 100-100 पुशअप्स निकाल रहा है ट्रकों के बीच में रोड के ऊपर, उसके लिए डिसीजन कर दिया जाता है, जिसका बैंक बैलेंस जीरो है, उसके परिवार वाले जब वो घर आता है तो ये उम्मीद लगा के बैठता है कि ये बैंक अकाउंट है कुछ देगा, अगर उसकी शादी होगी तो उसके ससुराल वाले भी ये उम्मीद लगा के बैठते हैं कि कुछ देगा, और आज उस नवयुवक की ये हालत है कि ये योजना लागू होने के बाद में कई नवयुवकों ने आत्मदाह भी कर लिया। तो इनकी आवाज़ हम झुंझुनू तक पहुँचाएं कि राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह जी गुड़ा इस उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए और हमारे नवयुवकों के ज़्यादा से ज़्यादा इन नवयुवकों को सही ट्रैक पर लाया जाए, उसके लिए हम काम करने में विश्वास रखते हैं। भाई अगर भर्तियों की वजह से नवयुवक आत्मदाह करने को तैयार है, पर्याप्त भर्तियां नहीं निकाली गई और भर्तियां करी भी गई 3 साल बाद में तो सिर्फ 4 वर्ष के लिए, इस मुद्दे को राजेंद्र सिंह जी गुड़ा अगर नहीं पहुँचा पाते, अगर वो सक्षम है और मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत अगर सक्षम है इस मामले को करने के लिए, तो आप करिए, हम हमारे स्तर पे कर रहे हैं, हम नवयुवकों के लिए कर रहे हैं, अगर राजेंद्र सिंह जी गुड़ा सक्षम है तो वो करिए। बीजेपी के जितने भी नेता प्रतिपक्ष हैं या जितने भी इनके MP हैं, जितने भी केंद्र में मंत्री हैं, प्रधानमंत्री जी हों या फिर जो अभी इनके राजस्थान में विधायक हैं या वो जो पूर्व विधायक हैं, उन सबको जो चुनाव लड़ने की आशंका फूल के कमल के निशान से रखते हैं, उन सबको मुंहतोड़ जवाब देगी ये युवा सेना। अगर इन्होंने ये आर्मी जो स्कीम, ये अग्निपथ स्कीम है, इसे वापस ना लिया और इसमें फेरबदल कर और जल्दी से जल्दी भर्ती नहीं निकाली गई,